गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में आपने सर्वनाम के विषय में पढ़ा, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। आपने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ा। विशेषण, विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उनकी क्वालिटी को बताता है। आइए हम एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इंद्रधनुषी छटा बिखरा था, सुरमय प्रपात हमसे दूर था, फिर भी उसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। दुधिया चांदनी बिखर रही थी, असंख्य दर्शक उसे सुंदर जलधारा का आनंद ले रहे थे। इस अनुच्छेद में इंद्रधनुषी, सुरमय, शीतल, दूधिया, असंख्य तथा सुंदर शब्द क्रमशः छटा, प्रपात, जल, चांदनी, दर्शक एवं जलधारा की विशेषता बता रहे, अर्थात ये सभी विशेषण है। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य क्या है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज भागता है, 50 आदमी पकड़े गए, उसकी साड़ी बनारसी है। आप इन वाक्यों को देखेंगे, कैसा घोड़ा तेज भागता है? काला। कितने आदमी पकड़े गए? 50। साड़ी कैसी है? बनारसी। कैसा, कितने, कैसी आदि शब्दों से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। इस प्रकार काला, 50, बनारसी शब्द विशेषण है तथा घोड़ा, आदमी तथा साड़ी ये संज्ञा शब्द विशेष्य हैं और ये विशेष्यों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं। विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। संज्ञा शब्दों से पूर्व यानी संज्ञा शब्दों के पहले, अच्छे बच्चे दंगा नहीं करते, यहाँ पर संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हुआ। संज्ञा शब्दों यानी विशेष्यों के बाद, जैसे ये संतरे मीठे हैं, यहाँ या संज्ञा के बाद यह विशेषण मीठे का प्रयोग हुआ। आइए अब हम विशेषण के भेद को समझते हैं। विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए हम समझते हैं गुणवाचक विशेषण के विषय में। वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकर्षक रूप, लंबा तगड़ा डील, विलक्षण मेघा शक्ति, ललित कंठ, दयाद्र हृदय, लुभावनी आंखें, दमकती दशनावली, घुंघराली अलकावली, पतले अधर, लंबी अंगुलिया, प्रशस्त वक्षसल, हर तरह से सृजनहार ने निराला को संवारा था। इन वाक्यों में आप देखेंगे जितने भी रंगीन शब्द हैं ये निराला के गुण, आकार, रंग, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रकार आइए हम समझते हैं। गुणबोधक, जैसे अच्छा, सीधा, विनम्र। दोषबोधक, दुष्ट, बुरा, क्रूर। आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर। स्थान बोधक, ऊंचा, विदेशी, जयपुरिया आदि। रंग बोधक, लाल, पीला, हरा, सुनहरा आदि। काल बोधक, नया, पुराना, आधुनिक आदि। दशा बोधक, सूखा, दुबला, अस्वस्थ। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी। स्पर्श बोधक, कोमल, कठोर, खुरदरा। स्वाद बोधक, मीठा, नमकीन, चटपटा।
ध्वनि बोधक मधुर कर्कश, गंध बोधक सुगंधित दुर्गंधपूर्ण आदि, यानी ये सारे गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अर्थात गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वही गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी जो नंबर को बताए, जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निजी अस्पताल से एक डॉक्टर आए, वे बोले दो खुराक पीजिए, दर्द गायब हो जाएगा, 3 दिन बीत गए पर दर्द में कमी ना हुई। यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, ये सारे संख्यावाचक विशेषण है। एक किसको बता रहा है? डॉक्टर को। दो किसको? खुराक। और 3 किसके लिए प्रयोग किया गया है? दिन के लिए। तो जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराए उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी, 4 आम, 10 पेड़, 8 पहर आदि। निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के हो सकते हैं। गणनावाचक, जैसे 2, 4, 10, 100 आदि। क्रमवाचक, पहला दूसरा सौवा आदि। आवृत्तिवाचक, दुगुना तिगुना 10 गुना आदि। समुदायवाचक, दोनों तीनों पांचों आदि। प्रत्येकवाचक, एक एक दो दो हर दूसरे आदि। यानी जहाँ हमें निश्चित तौर पर पता हो, संख्या हमें पता हो निश्चित तौर पर, वो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ फल, अब यहाँ फलों की संख्या कितनी है वो नहीं मालूम। थोड़े बच्चे, सब लड़कियाँ आदि। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम विशेषण की संख्या का बोध होता है और परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या नापतौल का बोध होता है। जैसे 2 किलो आटा दो, बोतल में कुछ दूध है। इन दोनों ही वाक्यों में 2 किलो तथा कुछ दूध संज्ञा शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषता को बता रहे। आटा कितना? 2 किलो। दूध कितना? कुछ। अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, नाप तौल आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्या का बोध होता था, उसी प्रकार निश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित परिमाणवाचक में संख्या या गिनती निश्चित होती है। जैसे 2 मीटर रस्सी, 5 किलो टमाटर, 600 ग्राम घी, 1 किलो सेब आदि। यानी हमें यहाँ पे निश्चित संख्या या गिनती मालूम होती है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ अन्न, थोड़ी दाल, घड़ों पानी आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में जब अधिक परिमाण का बोध कराना होता है तो अ जोड़ दिया जाता है। जैसे घड़ों पानी, तनो लोहा, मनो गेहूं आदि। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। यानी सार्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ, वह मैच मैंने जीता, यह तोता बोलता है। यहाँ पर वह और यह संज्ञा जो है वह और यह संज्ञा के साथ आए हैं तथा ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। वह मैच, कौन सा मैच? वह मैच। यह तोता, कौन सा तोता? यह तोता। यानी ये संज्ञा के साथ आए हैं, ये दोनों ही सर्वनाम संज्ञा के साथ आए हैं और
विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अतः जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यदि किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयोग हो और वह सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आया हो तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आप याद रखेंगे कि सर्वनामों में उत्तम पुरुष, मैं, हम, निजवाचक आप, स्वयं, खुद तथा मध्यम पुरुष तू और तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे के पृष्ठ पर पढ़ेंगे। जैसे यह से ऐसा, क्या से कैसा, वह से वैसा, जो से जैसा। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, रंग, स्वाद, स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जब जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तथा जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तथा वस्तुओं के मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य के परिमाण या मात्रा का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तथा विशेष्य के परिमाण या मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराने वाले विशेषण को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तथा विशेषण का अंतिम भेद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। यानी जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आइए हम आगे समझते हैं परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। हम कैसे अंतर करेंगे? जैसे इन वाक्यों को आप देखेंगे, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए, माताजी कुछ दूध लाई, थोड़े आदमियों को बुलाना, थोड़ा आटा भिखारियों को देना। आप देख सकते हैं कि दोनों ही वाक्यों में विशेषण शब्द एक है, दोनों में ही कुछ लगा है, दूसरे वाक्य में दोनों में ही थोड़े और थोड़ा लगा है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा परिमाणवाचक है? आप इन दोनों वाक्यों में देख सकते हैं, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए, यानी यहाँ पे पुस्तकों को हम गिन सकते हैं। थोड़े आदमियों को बुलाना, यहाँ भी हम आदमियों को गिन सकते हैं। तो और दूसरे वाक्य में आप देखेंगे, माताजी कुछ दूध लाई, इसमें कुछ दूध, यहाँ पे दूध को हम गिन नहीं सकते। थोड़ा आटा भिखारियों को देना, यहाँ थोड़ा आटा, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब विशेषण में किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है जिसको हम गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परंतु जब उन्हीं विशेषणों को किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ के साथ प्रयोग किया जाता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए अब हम समझते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, कोई आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तब ये सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब यही शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग ना होकर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर यह सर्वनाम होता है और प्रयोग के आधार पर ही यह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो हमें इसको बहुत ध्यान से समझना है। आइए हम वाक्य में समझते हैं। सर्वनाम, वह काफ़ी कमज़ोर है, यह सुंदर गाना गाता है। सार्वनामिक विशेषण में कैसे प्रयोग करते हैं? वह लड़का बहुत चालाक है,
यह लड़का राहुल का भाई है, यानी यहाँ पर संज्ञा से पहले इस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर यह संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ कि वह काफ़ी कमजोर है या सुंदर गाना गाता है, यही दोनों में अंतर है। आइए अब आगे समझते हैं विशेषणों की तुलना किस प्रकार करते हैं। विशेषणों का प्रयोग हम तीन प्रकार से होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण अथवा विशेषता का कथन होता है, जैसे चीड़ का लंबा पेड़ है, आज गोल चांद निकला है। उत्तरावस्था, इसमें दो प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं या पदार्थों के गुण दोष या विशेषता की तुलना की जाती है और एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है, यानी पे यहाँ पे गुलाब और गेंदे में कंपेयर किया गया। दिव्या सुधांशु से लंबी है, यहाँ पे दो लोगों के बीच कंपेयर किया गया। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से प्राणियों, वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों की तुलना करके उन सब में से जो सबसे अच्छा या बुरा होता है, जैसे दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है, एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है। आइए हम आगे देखते हैं विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द हम कैसे तुलना करते हैं। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की तुलना में से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले में आदि का प्रयोग किया जाता है और बल देने के लिए विशेषण से पूर्व ज़्यादा, अधिक, कम आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे शक्तिशाली, कम शक्तिशाली, बलवान, अधिक बलवान। और जब किसी विशेष्य को सबसे बढ़कर बताना होता है तो विशेषण से पूर्व हम सबसे लगाते हैं, जैसे सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर। संस्कृत के तत्सम शब्दों में दो की तुलना बताने के लिए तर तथा सबसे अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी के शब्दों में तर का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है परंतु तम का प्रयोग होता है, जैसे निकटतम, आधुनिकतम। आइए हम इसके उदाहरण को समझते हैं, आप इसे याद करेंगे। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में गुरु, गुरुतर, गुरुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, मृदु, मृदुतर और मृदुतम। आइए हम समझते हैं कि प्रविशेषण क्या है। आप इन वाक्यों को देखिए, राम बहुत मोटा है, चाकू ज़्यादा तेज है, यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। इन वाक्यों में बहुत, ज़्यादा तथा अत्यंत जो है मोटा, तेज और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ पहले से ही विशेषण शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे आ गए जो इन विशेषणों की भी विशेषता बता रहा है, यानी जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। राम बहुत मोटा है, कितना मोटा है, बहुत मोटा है, चाकू ज़्यादा तेज है, यह दृश्य सुंदर खुद ही विशेषण है लेकिन इसके साथ क्या लग गया, अत्यंत सुंदर है, यानी जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अगले वीडियो में हम विशेषणों की रचना पढ़ेंगे। थैंक यू।